सत्य के साथ। बादल, बिजली, बारिश, पानी, मौसम की है अजब कहानी। और आज मौसम की इसी परिभाषा को समझने के लिए हम उत्तराखंड के मौसम विभाग में आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ के निदेशक विक्रम सिंह साहब जी। तो आइए विक्रम जी से हम बात करते हैं। सर, लगातार मौसम बदल रहा है और पहले की अपेक्षा अब तापमान ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। ख़ासतौर से ये जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें सडन एकदम मौसम चेंज हो जाता है, लेकिन अभी इधर ये देखा गया है कि तकरीबन कई सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा हुआ है। बिल्कुल है, मौसम में बदलाव है और हर साल जो मौसम में आप देखें ना, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है वो होता रहता जी, है जी, है ना जी। तो इस चीज़ को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक जैसा मौसम तो हर साल नहीं रहेगा, है ना। जो सामान्य जो कोई भी आप बारिश की बात कर लें या तापमान की बात कर रहे हैं तो वो एक काफ़ी लंबे पीरियड का जो एक एवरेज होता है, है ना, चाहे वो बारिश है चाहे या इसी तरह तापमान है। तो एवरेज तो एक वैल्यू हो गई जिसको कि आप वो करते हो कैलकुलेट करके निकाल दिया कि भाई यहाँ 30 साल का हमने जो है एवरेज टेम्परेचर मेरा ये मिल रहा है जी। लेकिन आप देखेंगे उसमें साल टू साल जो है जो एक्चुअल टेम्परेचर वो अलग है सामान्य से, है ना, थोड़े ऊपर होंगे या थोड़े नीचे होंगे। वो तो देखिए, एक दिन अगर आपका तापमान जो सामान्य से 4 डिग्री ऊपर है, दूसरे दिन बारिश की एक्टिविटी हो गई या इस तरह की एक्टिविटी हो गई तो 4 डिग्री वो नीचे भी आ गया। लेकिन अगर आप उनको एवरेज निकालेंगे तो उसके बीच में आएगा वो। तो एक तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो लोग अगर ये सोचते हैं कि भाई सामान्य इतना है तो इतना ही मिलना चाहिए, इससे इतना ऊपर क्यों चला गया या नीचे क्यों चला गया, तो ये चीज़ें बिल्कुल रहती है कि सामान्य जो चाहे बारिश है चाहे आप तापमान की बात करेंगे तो हर वर्ष एक जैसा नहीं होगा, चाहे थोड़ा कभी ऊपर रहेंगे। अगर बारिश की एक्टिविटी आप इस समय जैसे समर सीजन की बात करते हैं तो उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्री मानसून सीजन में जो समर सीजन आपका है उसमें ठीक ठाक मिलती है। तो अगर वो ठीक ठाक मिलेगी तो तापमान आपके सामान्य या उससे कम ही रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये रहेगा कि भाई तापमान बारिश की एक्टिविटी कम हो गई है, जैसे इस बार देखने को मिला कि अप्रैल में बारिश नहीं हुई है, मई में भी बहुत कम बारिश हुई, खासकर जो मैदानी क्षेत्र हमारे हैं या उनसे लगे हुए जो हमारे जनपद हैं तो उनमें कम रही है, तो उसकी वजह से फिर तापमान आपके जो ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये तापमान और जो बारिश का है दोनों में आपस में संबंध है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो है एक ही चीज़ों की दूसरी भी उसी तरह हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि जो अगर बारिश कम है तो तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फिर कुछ कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी बीच में, मीटरोलॉजिकल कंडीशन इसको बोलूँगा मैं स्पेशली, कि भाई जिस समय कि फिर तापमान एकदम जो जो ठीक है बढ़ रहे थे थोड़ा बहुत बारिश की वजह से नहीं है हायर साइड में, लेकिन फिर उसमें 2-3-4 डिग्री का भी इजाफा और हो गया, तो ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होगी तब ऐसा होगा। तो चाहे वो एंटी साइक्लोन का भी बन जाएगा जिसमें कि जो है एयर नीचे को सबसाइड करती है तो तापमान बढ़ जाएगा, या फिर जो ऐसा होगा कि एडवेक्शन हो जाएगा कि जो है गर्म जो क्षेत्र है वहाँ से हवा का रुख अगर आपकी तरफ आएगा तो तब भी तापमान बढ़ेंगे। तो ऐसी भी सिचुएशन फिर बनती है। तो आपके माध्यम से अपने दर्शकों को और लेमैन के लैंग्वेज में हम कुछ इसके जो तकनीकी शब्द होते हैं उनको समझना चाहेंगे कि जैसे सामान्य से अधिक, सामान्य से कम, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, अधिकतम, इन सबके शब्दों को आप मौसम के एक जो लैंग्वेज है उसको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखो तापमान की जब बात आ रही है आपकी तो तापमान है कि कुछ वैल्यू होगी, जैसे आप थर्मामीटर से नापते हो कि अपना बॉडी टेम्परेचर कितना है, तो इसी तरह हम लोग भी नापते हैं कि इस समय जो है एनवायरनमेंट का तापमान क्या चल रहा है ना। तो उसमें अधिकतम कितना गया आज दिन में वो देखेंगे और न्यूनतम आज दिन में कितना रहा वो देखेंगे। तो अधिकतम और न्यूनतम ये दोनों तापमान वो है ना। तो ये किस समय होते हैं आपको भी पता है, जब दिन में बिल्कुल कड़क धूप होगी 2-2.5 बजे तो आप देखेंगे उस समय तापमान सबसे ज़्यादा है ना। लेकिन अब सुबह देखेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि तापमान जो है सबसे कम है, ठंडा उस समय है। तो ये दोनों वैल्यू जो हम लोग बिल्कुल रेगुलर है उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, बताते भी हैं लोगों को कि आज किस तरह के तापमान अधिकतम या न्यूनतम कैसे रहे, है ना। तो इसके लिए जगह जगह हमारी जो ऑब्जर्वेटरी जो वो लगी हुई है और उसमें जो उसको नापने के लिए थर्मामीटर्स वगैरह हैं वो सब लगे हुए हैं, उसी से हम जो है रीडिंग ले करके आपको ये चीज़ें जानकारी देते हैं। जब आपकी होती है कि सामान्य की बात जो है तो सामान्य तापमान जैसे मैं बोला कि जो है जब हम लगातार यहाँ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हमारे पास कई साल का डेटा है,
तो उसमें 30 साल का डेटा जब आपका हो जाता किसी स्टेशन का, तो उसी से फिर हम जो है क्लाइमेटोलॉजी उसकी एक तैयार करते हैं कि मतलब कैसा सामान्य तौर पे मई मंथ में तापमान होना चाहिए, तो वो एक एवरेज दे करके हम निकालेंगे, तो वो सामान्य तापमान हो गया कि जो एवरेज वैल्यू है जी, या रेनफॉल है, दोनों में ऐसा ही होगा। मौसम का बिगड़ना या मौसम का सामान्य रहना या मौसम का अधिकतम हो जाना, बारिश या कम हो जाना, इसमें आप मेन मेड कितना मतलब आप समझते हैं दखल, मानवीय दखल कितना होता है कि जैसे पेड़ कट रहे हैं या तमाम चीज़ें हो रहे हैं, या इस पर भी मौसम का असर पड़ता है? बिल्कुल ज़रूर पड़ता है। जैसे आप को मैं बात करूं कि लैंड यूज जो है, अगर लैंड यूज चेंज हो रहा है, अगर आप 20-25 साल पहले देहरादून की बात करेंगे जी, मैं तो मेरे ख्याल से जो है देहरादून की जो रेडियस होगी जिसमें कंस्ट्रक्शन थे या लोग रहते हैं जहाँ पर, तो वो रेडियस शायद 10 किलोमीटर भी ना हो, 5-7 किलोमीटर तक की रही होगी। लेकिन अगर आज आप बात करते हैं तो देहरादून की अगर रेडियस में बात करूँ तो 25-30 किलोमीटर की हो गई है। तो कहने का मतलब ये था कि जो आसपास में वेजिटेशन होता था या फिर पेड़ वगैरह भी थे, तो कहीं ना कहीं उसमें डेप्लिशन हुआ है, कटे हैं, कुछ चीज़ें कमी हुई है, और वहाँ पे जो है पक्का कंस्ट्रक्शन जो आपका आ गया, तो लैंड यूज आपका चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टेम्परेचर्स है आप देखेंगे विद इन सिटी जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और आप आउटर में चले जाइए तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस चीज़ का असर है। अच्छा सर, जो मौसम विभाग आपका है उसकी फोरकास्टिंग के लिए और तमाम चीज़ों के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए पहले की तकनीक या अब जो तकनीकें अपनाई जा रही हैं उसमें क्या अंतर पाते हैं, क्या किसी नई तरीके की तकनीक या किसी नई तरीके की मशीनरी का यूज हो? बिल्कुल, देखिए जो तकनीकी है वो दिन प्रतिदिन उसमें जो है इजाफा है, अच्छी हो रही है, ठीक है। तो उसमें चाहे ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो उतना सारा ऑब्जर्वेशन आपके पास पहले नहीं था, तो नेटवर्क अच्छा हुआ है, और उसके साथ साथ उसमें जो ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी बेहतर हुई है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ आज से 5-6 साल पहले की, तो हमारे पास नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं था जी। कुछ ऑब्जर्वेटरी हमारी थी या उसके अलावा जो कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी हमने लगाए थे वो था, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट नेटवर्क नहीं था। तो इसमें जब 2013 के बाद से जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया कि केदारनाथ आपदा के बाद ज़्यादा सचेत हुई है चीज़ें कि जिससे कि बेहतर हमको फोरकास्ट या जानकारी उसकी मिल सके, तो स्टेट गवर्नमेंट भी फिर आगे आई है और हमारी जो नेटवर्क अभी है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में करीब करीब, या जो भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है या इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है, तो वहाँ पे आज के समय में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कम से कम हमारे पास एक लगा है, और उसकी विशेषता साथ में ये है कि हर 15 मिनट में वो जो है आपको ऑब्जर्वेशन देता रहता है। तो जब भी कोई इंटेंस एक्टिविटी या इस तरह की चीज़ें चल रही है तो बड़ा मॉनिटरिंग में वो बड़ा अच्छा उससे जो डेटा हमको वो मिलता रहता है, और उसी चीज़ को फिर यूज़ करते हुए हम फिर आगे क्या जानकारी देंगे। एक्यूरेसी है, ज़्यादा डिफाइन हो गई है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब ऑब्जर्वेशन है सही तो होना ही चाहिए, वो चाहे आपका एक ऑब्जर्वेशन चाहे 10 ऑब्जर्वेशन है तो सही तो होना ही होना है। उसके साथ जो अवेलेबिलिटी थी कि अगर आप देखेंगे जो हमारी ऐसी ऑब्जर्वेटरीज है तो उसमें हर 3 घंटे में ऑब्जर्वेशन होता है ना, लेकिन जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में तो हर 15 मिनट में भी जो है उससे ऑब्जर्वेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रमुख तौर पर उसका जो है आपदा प्रबंधन में बड़ा अच्छा रोल हो जाता है कि जैसे इंटेंस बारिश हो रही है, हमने देखा कि उत्तराखंड में 1 घंटे में भी जो है करीब 10 सेंटीमीटर जो क्लाउड बस्ट वाली चीज़ें हो जाती है, या चलो एक उतनी नहीं हुई, 5 ही सेंटीमीटर भी अगर 1 घंटे में हो गई है तो भी उत्तराखंड है क्योंकि हिली स्टेट है, तो यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर बारिश भी ज़्यादा हो जाती है अपने आप में, उसी से जो है नुकसान हो जाता है। तो उसका जो मॉनिटरिंग है लगातार हर 15 मिनट में 10 मिनट में आपको डेटा मिल रहा है, और साथ में उसके जो है ये तो एक नेटवर्क बड़ा ही था जो ऑब्जर्वेशन का सरफेस पे है जिसमें टेम्परेचर है चाहे रेनफॉल है ह्यूमिडिटी है इस तरह की सब जानकारी मिल जाती है जी। उसके साथ साथ रडार सिस्टम भी लगा है ना, जो रडार्स पहले यहाँ उत्तराखंड में नहीं थे, तो अभी पिछले 2 से 3 साल में जो है 3 साल करीब हो गया है पूरा, तो उसमें जो रडार्स लगे हैं 3 रडार्स जो है उत्तराखंड में लग चुके हैं, जिसमें कि एक आपका मुक्तेश्वर में है, दूसरा आपका लैंसडाउन में है, और तीसरा है मसूरी के पास जो है सुरकंडा जी में है जी, ठीक है। तो इनकी वजह से अब जो मॉनिटरिंग और भी आपको जो है अच्छी हो गई प्रदेश पे, तो ये करीब करीब ज़्यादातर क्षेत्र को हमारे कवर कर लेती है, वैलीज वगैरह को थोड़ा छोड़ दें या उसकी जो रेंज में कहूँगा 100 किलोमीटर तक की है, तो 100 किलोमीटर रेडियस में जो एरिया हमारा आ जा रहा था ज़्यादातर कवर होगा, उच्च हिमालय क्षेत्र छूट रहे हैं अभी थोड़ा बहुत जो है, तो उसमें मुझे लगता है इतना ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु ये कि चारधाम लोकेशंस जैसे है वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी और ज़रूरत है, इसलिए है कि वो वैलीज में है, तो जब तक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा नहीं होगा और तब जो आसपास की हिल से उससे ऊपर वो चला जाएगा,
तब जो रेडार्स लगे हैं उसमें वो आ पाता है ना जी, जी। तो वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा आप चाहेंगे कि पहले से ही उसको मॉनिटर किया जाए तो तब वो चीज़ का जो है थोड़ी बहुत ज़रूरत और उस तरह की आप कह सकते होगी। अदरवाइज तो जो पहले नहीं थी चीज़ें उसमें काफ़ी इजाफा हुआ अभी, चाहे वो सरफेस ऑब्जर्वेशन है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हैं या फिर रडार सिस्टम हो गया, और उसके साथ जो सैटेलाइट वगैरह प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छी मिल रही हैं। ठीक है, तो इससे ये सब डेटा एक तो आपको जो है करंट जो है उसकी इस समय क्या स्थिति है वो पता लगता है कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं या किस तरह के डेवलपमेंट ये है, तो वो सब चीज़ पता लग गई। दूसरा ये सारा डेटा जो हमारा न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन है जिसने कि बहुत ज़्यादा क्रांति लाई है जो मौसम के क्षेत्र में, तो उसमें जो चीज़ थी कि पहले तो आपको जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप एक एनालाइज करते थे तो एक से दो दिन तक की फोरकास्ट आप जनरेट करते टाइम लग जाता था, टाइम लगता था, टाइम टेकिंग था, तो आजकल ऑटोमेशन भी बहुत हुआ है। लेकिन जो न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन उसमें ये जो डेटा जाता है उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, तो वो सब प्रोसेस करके आपको जो आगे फ्यूचर में 8 से 10 दिन जो है किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है उसका एक अच्छा अनुमान दे देता है। तो उसको फिर ठीक है कि हमको वो चीज़ों को भी एनालाइज करना है कि कितना हमको वार्निंग देनी मतलब है या कितना हमको बारिश देनी है, कितना टेम्परेचर्स आगे जा सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उसको फिर फर्दर एनालाइज करके आगे फोरकास्ट जनरेट करते हैं जी। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि अब जो आपके पास डाटा आता है एक तो बहुत जल्दी से उस पर आप निर्णय ले सकते हैं जी बिल्कुल, और बिल्कुल। जितनी जल्दी से आप निर्णय लेंगे अपनी मशीनों और तकनीक की सहायता से उतनी जल्दी आपके साथ में जो आपके समन्वय विभाग होंगे आप उनको अलर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, उनको भेजते हैं बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ में सबसे ज़्यादा खास जो जुड़े हुए दूसरे और महकमे हैं, दूसरे और विभाग हैं या एजेंसियाँ हैं, तो वो कौन कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं कि जिनको तुरंत आपके अलर्ट की ज़रूरत होती है और आप तुरंत यहां से उनके साथ में पहला अलर्ट आप उनको भेजते हैं? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग है उसको सबसे पहले ये चीज़ें सूचना जो है वो दी जाती है, और उसका और विभागों से भी जो उत्तराखंड की बात कर लें या और जगह की बात करें तो उसका समन्वय फिर रहता है कि किसको क्या एक्शन लेना है इसमें, तो एक चीज़ तो सबसे पहले उनको ये चीज़ें दी जाती है। इसके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर के लिए आप बात करें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी या जो उनका सचिवालय उनको वो सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस समय कैसी स्थिति है तापमान की, बारिश की, तो क्या किसानों को इस समय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें भी जो है जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सलाह लेकर के एक बुलेटिन उनको दिया जाता है ना जी, जी। तो उसमें ये रहता है कि भाई वो उसी अनुसार फिर जो खेती के लिए समय क्या मेजर्स उनको लेना चाहिए फसलों के लिए या बागवानी के लिए, तो वो डिसीजन वो करते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे जो इरीगेशन है उसको भी सारी सूचना जाती है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, डैम अथॉरिटीज हो गई है ना, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स है जो कि आप कह सकते हैं मानसून सीजन में दिक्कत हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बारिश है या बाढ़ की स्थिति होती है, तो वो सभी चीज़ें जो जो मैं कहूँगा जो डिपार्टमेंट कंसर्नड है उनको भेजा जाता है, चाहे इरीगेशन है, एग्रीकल्चर है, आपदा प्रबंधन है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो कि यात्रा वगैरह के लिए देखता है, तो उसको सबको ये चीज़ें जा रही है। उन्होंने भी जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनको अपने डिस्प्ले सिस्टम में उसको इंटीग्रेट कर लिया है, तो लोग वहाँ से भी आप देखेंगे कि जगह जगह उन्होंने जो है यात्रा रूट पे भी जो है डिस्प्ले सिस्टम लगाए और उसमें जो मौसम की जानकारी वो जाती रहती है, कहने तो बिल्कुल लाइव एक तरह से कर दिया गया सब चीज़ों को। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं और साथ साथ में जो फिर हमने बोला कि किस तरह की एक्टिविटी आगे हो सकती है और किस तरह का इसका इम्पैक्ट जो है आ सकता है, इससे फ्लड हो सकता है या इससे लैंडस्लाइड की संभावना बनती है या इससे रास्ते भी कहीं कहीं पे बंद होंगे, तो वो जो भी इस तरह का इम्पैक्ट उसका आ सकता है उस चीज़ों को हम बिल्कुल उसमें बताते हैं, मेंशन करते हैं, और उस अनुसार फिर जो मशीनरी है वो भी अपना जो वनरेबल एरियाज है या आपको यात्रियों को या जो टूरिस्ट को उनको अलर्ट करना है, उनको रोकना है, तो ये सब डिसीजन बिल्कुल उसके बेस पे फिर वो करते हैं। कहने का मतलब तमाम ऐसे महकमे और विभाग हैं कि जो आपके अलर्ट पर निर्भर हैं और आपसे जानकारी लेने के बाद ही में वो तमाम ऐसे एक्टिविटीज़ को अपना आरंभ करते हैं या फिर उसको रोकते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, सारी जो ये सूचना है मीडिया को सबसे पहले जाती है उनको भी, क्योंकि उसी के थ्रू जो आम पब्लिक है उसको वो चीज़ें जाती हैं, या इसी तरह आप कहेंगे कि जो हमारा विभाग है ना, वो जो है उसकी जो वेबसाइट है उस पर भी जो चीज़ें हैं वो भी हर समय हमारी अवेलेबल रहती है, तो वो चीज़ों को भी हम लोग जो है
अपनी वेबसाइट में उसमें भी वो रहती हैं। इसके अलावा आप कहेंगे जो YouTube या Instagram ये सब इसमें भी डाला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हाँ इन्फॉर्मेशन। आज इसी बात के लिए हम आपके सामने आए हुए हैं कि मौसम पे एक बड़ा तफसील से बात करी जाए, वो सिर्फ फोरकास्टिंग नहीं है कि अब थोड़ी देर के लिए आपसे बात करी और कर गया, है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप तमाम विभागों के सुपर बॉस तो आप ही हुए। नहीं, सब विभागों से हम लोग का जो है सामान्य समन्वय रहता है, और ये जानकारी जो भी मौसम की कोई भी चाहे उसमें कम है तो भी बताना है या अधिक है तो भी, अगर ड्रॉट भी होने वाला है, अगर बारिश कम होने वाली तो ये भी सूचना एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि उससे सरकार फिर अपना जो जो उनको एक्शंस लेने हैं वो पहले से तैयार हो जाए। तो बिल्कुल है, चाहे फ्लड मैनेजमेंट है चाहे वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें सब में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका की जो मौसम की जानकारी है बिल्कुल वो बिल्कुल उनको चाहिए होती है। और कार्यक्रम के अंत में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा, और उसके बाद में अगर आप कोई अपील करना चाहें हमारे दर्शकों से मौसम को लेकर के या पर्यावरण की चिंता को लेकर के, वो तो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी अगर उत्तराखंड के लिए आप मौसम की बात की, जो हिल्स में हमारे खासकर अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें अच्छी बारिश आज मिलनी चाहिए और हल्की से मध्यम की रहेंगी। और उसके साथ साथ जो वार्निंग का पार्ट होता है, तो थंडरस्टॉर्म में आजकल आप देखते हैं कि तेज़ बारिश जो है कुछ घंटे के लिए या एक दो घंटे के लिए वो मिल जाती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें, चाहे थोड़ा रास्ता बंद हो जाए या जो नदी नाले हैं या बरसाती नाला है उसमें थोड़ा पानी एकदम जो है बढ़ सकता है। जी, तो यही हम अपील करते हैं लोगों से कि जो यात्रा में हैं, आवागमन कर रहे हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें कि आपको गाड़ गधेरों के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, या इसी तरह जो आपके बरसाती नाले उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी से आपको नहीं पता कि कितनी एकदम जो जल स्तर बढ़ सकता है। दूसरी बात है कि जो जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है तो थोड़ी देर सेफ जगह पे इंतज़ार करें, उस समय मूवमेंट की कोशिश ना करें क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है उस आपके चलने से। तो कहने का मतलब ये कि उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी और आप उसमें भी जाने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं चाहे बोल्डर ही गिरे या थोड़ा मोटा लैंडस्लाइड, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो जब भी एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म की हो रही तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करिए, जब वो ख़त्म हो जाए तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो यही प्रिकॉशन इसमें लेने की इस समय तो ज़रूरत है। बाकी मैदानी क्षेत्रों में तो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तापमान थोड़ा, लेकिन जो बारिश होगी अभी आज से और कल जो है एक्टिविटी इसी तरह की है, तो उसे तापमान में थोड़ी कमी आनी चाहिए। आगे फिर कह सकते हैं कि मौसम जो है साफ ही है, करीब 5-6 दिन अगर मैं कल के बाद बात करूं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, छुटपुट एक्टिविटी जो होगी हायर रीचेज में अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। इस तरह की मौसम के बारे में इतना तफसील से एक एक चीज़ों के बारे में आपने हमसे बात करी, इसके लिए न्यूज़ वायरस आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। जी, धन्यवाद। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि लास्ट में आपने बहुत खूबसूरत यहाँ पे एक मैसेज लिख रखा है, और उसी के साथ हम वाइंड अप करना चाहेंगे कि आंधी बारिश ओलों की पड़ने ना देंगे जन जन परमार, हम मौसम विभाग के सैनिक हैं हमेशा सेवा को तैयार। जी, कैमरा पर्सन इमरान के साथ न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए देहरादून के मौसम विभाग से मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ।